अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशर कादरी। पाकिस्तान में सियासी जो उलझने चल रही हैं, सियासी मामलात इख्तलाफात चल रहे हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, कई सालों से जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए ऐलान कर दिया गया है कि पहले तमाम सियासी जमातें मुआशी मंशूर दें, उसके बाद वो वोट लें। अगर सियासी मंशूर नहीं दिया जाएगा तो वोट किसी भी सियासी जमात को हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम ने इस हवाले से बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। मुल्क भर में और ट्रेडर्स एसोसिएशंस में और तमाम रहनुमाओं में इस हवाले से शऊर बिदार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बिजनेस फोरम के रहनुमा, उनसे बात करेंगे। मुलाजिम साहब, माशाल्लाह जी, पाकिस्तान बिजनेस फोरम मिसाक मईशत के बाद मुआशी मंशूर दो फिर हमारे वोट लो आपने नारा लगा दिया है, क्या वाकई अगर कोई सियासी जमात आपके पास आती है मुआशी मंशूर नहीं लेकर आती तो उसको वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल ऐसी है। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के जो हालात दिगर गु हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास इकोनॉमी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है और इस वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। जब आते हैं नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए लोग लेके आते हैं। आप लास्ट वाली जो अभी गवर्नमेंट गई है उसमें आप देखें कम अज़ कम 6 उन्होंने फिनांस प्राइम मिनिस्टर चेंज किए हैं, फिनांस मिनिस्टर चेंज किए हैं। तो अब इतना बड़ा आप शफलिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोई आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, तो ये बड़ा पाकिस्तान को बचाने का बुनियादी उसूल है। आप ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जिसके पास कम से कम मुआशी कोई मंशूर होना चाहिए, वो बताए मैं कैसे चेंज लेके आऊँगी। प्रैक्टिकल चीज़ें हों, सिर्फ ख्याली बातें ना हों जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, इस तरह चेंज लेके आएंगे। और इंशाल्लाह हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं और सारी बिज़नेस कम्युनिटी को ये इस पर लेके आएंगे कि उस जमात को वोट दें जो बिज़नेस के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान में उसके पास वाकई कोई इकोनॉमी का कोई मैनिफेस्टो हो। पाकिस्तान की उस सियासी जमात को वोट दिया जाएगा। आखिरकार बिज़नेस कम्युनिटी ने ऐलान कर दिया है कि जिसके पास मुआशी मंशूर होगा, जिसने मुआशी मंशूर दिया उसी जमात को वोट दिया जाएगा, वगरना जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने सियासतदान हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, कोई वोट नहीं दिया जाएगा जब तक के मुआशी मंशूर नहीं होगा।